वाले हैं आपका हिस्सा दाल का जो आपका पार्ट है 3, है ना। इसमें आज पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे मज़मून नवेसी के बारे में। नवेसी को हमने आपको पहले भी बताया है कि निगारी भी कहा जाता है, ठीक है। मज़मून निगारी ये नून है, ठीक। मज़मून निगारी या मज़मून नवेसी ये एक ही चीज़ है, यानी मज़मून को लिखना। कि कोई भी ऐसे हमें से अगर कहा जाए कि आपको लिखना है, इंग्लिश में आप लोग ऐसे पैराग्राफ लिखते हैं या हिंदी में निबंध लिखते हैं, इसी तरह से हमारे उर्दू में भी मज़मून लिखे जाते हैं। तो अब हम जब मज़मून लिखने बैठेंगे तो हमें किन किन ऐसे बिंदु हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे नुक्ते हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, है ना। किन चीज़ों को हमें अपने मज़मून में शामिल करना है और किन से अपने आप को बचाना है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। देखिए, इसमें आपको कोई भी मज़मून का नमूना नहीं दिया गया है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियोज़ अपलोड की है ग्रामर के पोर्शन में। देखिए, मैंने आपके लिए दो प्लेलिस्ट बनाई है। एक प्लेलिस्ट वो है जिसका नाम है उर्दू कवायद और इंशा। उसमें आपको उर्दू कवायद और इंशा जो CBSE की तरफ से बुक दी गई है उसके सारे चैप्टर्स मिलेंगे, जिसका एक पार्ट ये वाला भी है आपका। और एक मैंने आप लोगों की सिंपल बेसिक ग्रामर करके बनाई है, जिसमें आपको सारी बेसिक ग्रामर मिल जाएगी, जैसे मुतज़ाद अल्फाज क्या हैं, मुज़क्कर मुअन्नस क्या है, वही जमा किने कहा जाता है, साबिक़ लाहिक़े क्या होते हैं, है ना, और मुतरादिफ़ अल्फाज क्या होते हैं, वो सारी चीज़ उसमें आपको मिल जाएंगी। या अलग अलग तरह के ऐसे, अलग अलग तरह के निबंध, अलग तरह की दरख्वास्त वगैरह भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग देखना चाहें तो, ठीक है। फ़िलहाल हम लोग मज़मून नवेसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब हम मज़मून लिखने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें जो मेन चीज़ है वो ये कि हमें टॉपिक पता होना चाहिए, हमें मौजू पता होना चाहिए कि हम किस मौजू पर लिखने जा रहे हैं, है ना। अक्सर एग्ज़ाम्स में आप लोगों के आता है कि मेरे स्कूल पर लिखिए, है ना, मेरा प्यारा स्कूल, या आपका आ जाता है कि यौम जमहूरिया पे लिखिए, या आ जाता है यौम आज़ादी पे लिखिए, है ना, या फिर आपका ये भी आ जाता है अगर इंग्लिश की बात करें चिल्ड्रंस डे पे लिखिए, या फिर आपका आ जाता है कि आप किसी बुक फेयर में गए उसको लिखिए। उर्दू में कहें तो देखिए पानी की आलूदगी पर आ जाता है कि भाई पानी जो गंदा हो रहा है, या फ़िज़ाई आलूदगी पर आ जाता है, है ना, पोल्यूशन ऑफ वाटर, तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन, तो इसके ऊपर अलग अलग तरह से आपको निबंध लिखने को दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम निबंध लिखने बैठते हैं तो हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये कि हम निबंध लिख किसके ऊपर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ आपको उसके अकॉर्डिंगली दिया गया है, मैं आपको ये भी पॉइंट्स भी पढ़ूंगी और उसके बाद सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगी। चलिए तो पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है दर्ज ज़ेल नमूने पर गौर कीजिए, यानी जो ये आपको नमूना दिया गया है इस पर गौर कीजिए। तो एक अलिफ़ दिया गया है, दूसरा आपको ब दिया गया, यानी दो नमूने आपको दिए गए, दो एग्जांपल्स, दो उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला क्या दिया गया है, अगर हम फूल को मौजू बनाकर कोई मज़मून लिखते हैं तो उसके नकात क्या होंगे, यानी उसके क्या क्या नुक्ते होंगे, हम किन किन पॉइंट्स को नज़र में रखेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा फूल की अहमियत, यानी फूलों की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है, है ना। जैसे आप लिख सकते हैं शादी के टाइम पे फूलों से माला बनती है, है ना, फूलों से बरमाकी जो है वो आपका शहद निकालती है, शहद बनाती है, फूलों से खुशबू आती है, तरह तरह के इतर बनते हैं फूलों से, है ना, बहुत सारे काम होते हैं फूलों से, डेकोरेशन का काम लिया जाता है फूलों से, है ना। और हम जो मतलब जितने भी आपके होली प्लेस होते हैं वहाँ पे भी जनरली फूल लेके जाया जाता है, या फिर हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी मरीज़ के पास जाते हैं, या किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग फूल का कोई गुलदस्ता, है ना, कोई बुके टाइप का लेके जाते हैं। तो फूलों की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी गार्डन में जाते हैं वहाँ अलग फूल लगे हुए होते हैं तो हमारी आंखों को बहुत सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे टहलना, घूमना, फ्रेश एयर होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हमने क्या बताया कि फूलों की अहमियत क्या है। दूसरे पॉइंट्स में हम क्या बताएंगे, दूसरा पॉइंट जो है आपका वो लिखा है मुख्तलिफ़ मौसमों में फूलों की पैदावार, यानी कि क्या होता है हर मौसम में एक जैसे फूल नहीं रहते हैं। जब आपका सर्दी का मौसम आता है तो आपके पास गुलाब और तरह तरह के कितने फूल हो जाते हैं, लेकिन वही जब पतझड़ का मौसम होता है, जब इस तरह से गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो सारे फूल तो फूल पेड़ भी मुरझा जाते हैं, है ना, सारे दरख्त भी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सूरज की रोशनी जो है, धूप की जो गर्मी है वो उनको जला देती है ना, वो अपने आप में मुरझाते हैं, पानी की कमी हो जाती है उनके अंदर। तो इस तरह से अब अलग अलग मौसम में कौन कौन से फूल खिलते हैं, फूल कहाँ कहाँ खिलते हैं, भाई कुछ फूल ज़मीन के ऊपर होते हैं, कुछ फूल पानी में होते हैं,
है ना, कुछ पहाड़ी फूल होते हैं वो अलग होते हैं, तो इनके बारे में कि कौन सा फूल किस मौसम में खिलता है, उसकी क्या खूबी है ये बताना है। फिर मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं वाले फूल, फिर आपको ये बताना है कि कुछ फूल जो अंग्रेज़ी फूल जिन्हें हम कहते हैं, जैसे सिंपल डहेलिया का हो गया या मैरीगोल्ड हो गया, तो इनके अंदर जो है खुशबू नहीं होती है, लेकिन वहीं आप अगर गुलाब का फूल ले लें या वहीं आप बेले का फूल ले लें, चमेली का फूल ले लें, तो इनके अंदर कितनी तेज़ खुशबू होती है ना। तो क्या है आपको ये बताना है। और उसके बाद फिर आपके जितने फ्लावर्स होते हैं, जितने फूल होते हैं, वो सब अलग अलग रंगों के होते हैं। मतलब आपको ठीक है लाल रंग के गुल्हड़ भी मिल जाएगा, लाल रंग का गुलाब भी होगा, लेकिन उनके लाल शेड में भी डिफरेंट होगा। ये नहीं है कि गुलाब का जो रोज़ रेड है वही आपका गुल्हड़ वाला लाल होगा, नहीं, वो हल्का लाइट, मतलब वो जो आपका गुल्हड़ वाला रेड होता है वो कुछ कुछ आपका टमाटर रेड होता है ना, लेकिन वो आपका रोड जो आपका रोज़ का रेड कलर है वो कितना डार्क रेड होता है ना। इसके बाद आप बात करें तो लोटस जो है यानी कमल का फूल जो होता है आपका, वो गुलाबी कलर का होता है ना। वहीं अगर आप अपने गेंदे के फूल की बात कर रहे हैं तो वो पीले रंग का होता है। अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अलग अलग तरह के फूलों को साइंस के थ्रू बना लिया जाता है। गुलाब के भी आपने देखा होगा कितने कलर हो गए, लाल भी हो गया, पीला, लाल तो नेचुरल है उसमें खुशबू होती है, लेकिन बाकी जो अंग्रेज़ी गुलाब होते हैं जो साइंटिफिक बनाए गए हैं उनके अंदर खुशबू नहीं होती है, लेकिन उनके कलर बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा येलो कलर का भी गुलाब होता है, इसके अलावा ब्लैक भी आ गया है, वाइट भी होता है, पिंक भी होता है, डबल शेडेड भी होता है पिंक एंड वाइट करके। तो क्या है ये आपके सारे अंग्रेज़ी गुलाब कहलाते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाए गए हैं। तो आप ये सब बता सकते हैं। देखिए क्या होता है, आपकी क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पैराग्राफ 5 नंबर का मिलेगा, है ना। तो आपको हर पॉइंट में अगर आप तीन तीन चार चार लाइन भी लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको दो दो तीन तीन लाइनों में नहीं लिखना ना, आपको फिर बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ज़्यादा ज़्यादा लिखेंगे, आपकी नॉलेज बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो जो मैं बातें बता रही हूँ ये मैं ऑल ओवर बता रही हूँ। तो अगर 6 क्लास के बच्चे सोचेंगे मैम इतना मुश्किल, तो ऐसा नहीं है बेटा, आप लोगों के लिए इजी। आप बहुत सिंपल सी बात कर दें, मुख्तलिफ रंगों के बता दें कि जैसे लाल, पीले, नीले, हर रंग के फूल होते हैं, उनके नाम लिख लीजिए। खुशबू वाले फूलों के बारे में बताइए कि भाई ये फूल ऐसे जो खुशबू देते हैं, ये फूल ऐसे जो खुशबू नहीं देते, दैट्स इट, आपका हो गया। लेकिन जब आप बात करते हैं 11th 12th की, तो आपको ये बताना भी होता है कि रंगों में मुख्तलिफ रंगों के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि कुछ अंग्रेज़ी फूल बनाए गए हैं जो केमिकल रिएक्शन से बनाए गए हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको गुलाब की खसूसियत और अहमियत के बारे में बताना होता है, ठीक है। तो गुलाब की खसूसी अहमियत क्या है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो फूलों का राजा कहा जाता है, जो फूलों की रानी कहा जाता है, जो भी आप समझ लें, वो गुलाब को कहा जाता है ना। क्यों, क्योंकि गुलाब सबसे खूबसूरत फूल है, और सबको जो भी हो, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मुझे गुलाब पसंद नहीं है, ठीक है, आपको कोई और फूल पसंद हो सकता है, लेकिन हर इंसान को गुलाब का फूल ज़रूर पसंद होता है, मोस्टली, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ जनरली लोगों को गुलाब का फूल बहुत पसंद होता है ना। तो अब यहाँ आपको कहते हैं कि चलिए अब आपको पता है गुलाब का फूल क्या होता है, कैसा दिखता है, और सब ये ना आम फूल है, ये आपको हर जगह मिल भी जाता है आसानी से, ठीक है। अगर मैं भी कोई और फूल का नाम ले लूँ, हो सकता है कुछ बच्चे कहें मैम ये कौन सा फूल है, हम तो नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन गुलाब का नाम सब ने सुना है, सब ने गुलाब को देखा है ना। तो इसी तरह सब कहते हैं गुलाब की क्या खसूसियत है, इसकी क्या अहमियत है। तो देखिए आपको पता होगा गुलाब की बहुत अहमियत है। गुलाब का अरख बनता है, गुलाब का गुलाब जल जो होता है जिसे हम रोज़ वाटर कहते हैं वो बनता है, गुलाब से शहद बनता है, गुलाब का शहद बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, हर फूल का और हर फल का अलग अलग शहद होता है ना। तो गुलाब के द्वारा जो मतलब गुलाब के ज़रिए से जो शहद बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत सौंधा सौंधा होता है खाने में। इसके अलावा अगर आप बात करें गुलाब की और क्या अहमियत है, आप लोग रौफसा पीते हैं वो भी गुलाब से ही बनता है, और बहुत अहमियत हो सकती है गुलाब की, गुलाब की खुशबू होती है। कोई आपसे मतलब कोई फंक्शन है, कुछ है, दूल्हा बन रहा है, तो उसके लिए सेहरे में, इन सब चीज़ों में गुलाब के फूलों का इस्तेमाल होता है। तो गुलाब के फूल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप क्या है फूलों का मसरफ़, ठीक है, और उसके बाद आपका खुलासा,
ठीक। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कौन सा पुल कहाँ निकला, कैसे निकलता है, कितना उसकी ज़िंदगी होती है, उसके अंदर जो नए नए बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, अब जल्दी जल्दी से हम ख़त्म करते हैं। तो अब हिस्सा बी अगर आप बात करें, तो अब यहाँ ये आपके मतलब का, इसमें बोला है कि यौम जमहूरिया मनाए जाने पर मज़मून लिखने के लिए इशारे। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको मेन टॉपिक यौम जमहूरिया मानना है, तो इसके बारे में आपको बताना, तो आप कैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यौम जमहूरिया है क्या, इसकी कौमी तारीख़ या कौमी में क्या अहमियत है, यानी कि हिस्ट्री में इसकी क्या अहमियत है और हमारे कौम के लिए इसकी क्या अहमियत है। तो आप सब जानते हैं यौम जमहूरिया किसे कहा जाता है, जिस दिन संविधान लागू हुआ है ना। तो अब हमारे आइन कायदे कानून उस दिन बने, लागू हुए, तो कब हुए, 26 जनवरी, और सन क्या था, 1950 यानी 1950। इसके बारे में लिखेंगे। फिर मादर वतन के लिए अपने फ़राइज़ की याद दहाई, ठीक है। अब आपको हमारा मादरी वतन यानी जो हमारा मादरी वतन है हिंदुस्तान, उसके लिए हमारे ऊपर क्या फ़राइज़ हैं, तो हमारे ऊपर फ़राइज़ है कि हम उसको साफ़ रखें, उसको अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट करें, यानी किसी दूसरे मुल्क के हाथ उसे बर्बाद ना होने दें, है ना, कुछ गलत ना होने दें अपने मुल्क में या अपने मुल्क वालों के साथ। भाई मुल्क की तो हिफाजत हम अकेले नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर हम आपस में एक दूसरे की हिफाजत करेंगे तो इनडायरेक्टली हम अपने मुल्क की हिफाजत कर लेंगे। उसके बाद लिखा है स्कूल में जश्न किस तरह मनाया था, फिर आपको बताना है कि हमारे जो स्कूल है इसमें किस तरह से जश्न मनाया गया, भाई फंक्शन हुआ है ना, फ्लैग होस्टिंग हुई, और इसके अलावा आपका बच्चों ने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया, किसी ने गज़ल सुनाई, किसी ने ड्रामे में हिस्सा लिया है ना, किसी ने डांस करके दिखाया, तो किसी ने नज़्म पढ़ी है ना, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर लिखा है कौमी परचम लहराने का तरीक़े और उसके अकायदत क्या हैं, ये सारा इनका बयान करना, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग कौमी परचम लहराते हैं यानी अपना झंडा लहराते हैं, हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग लहराते हैं, तो उसके अंदर फूल डाल के उसको बांध के लहराते हैं, है ना। हमारे स्कूल्स जो होते हैं उसमें हमारी प्रिंसिपल्स उन्हें लहराती हैं, या अगर हम किसी ऑफिस दफ्तर की बात करें तो वहाँ जो उनके हेड होते हैं वो उसे लहराते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है आपका परेड की अहमियत, फिर परेड जो होती है उसकी क्या अहमियत है हमारी नज़र में, फिर कौमी तराना जो है आपका, ठीक है, उसको बताना है। उसी के बाद फिर आपका देखिए यहाँ पे क्या आता है, परचम कशाई के बाद की तकरीर का हवाला, यानी उसके बाद जब आपकी परचम कशाई हो गई यानी कि जब आपका झंडा फहरा दिया गया, फ्लैग होस्टिंग हो गई, उसके बाद जो आपके सबसे बड़े होते हैं प्रिंसिपल या टीचर या जो भी इसके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको फंक्शन को, वो आके एक बहुत अच्छी सी स्पीच देते हैं जिसमें बताते हैं कि ये हम लोग क्यों मना रहे हैं, क्यों इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। फिर लिखा है जश्न जमहूरिया के मौके पर होने वाली तकरीबात का हवाला, यानी उसके बाद जो और लोगों ने अलग अलग तकरीबात दी, यानी कि फिर अब डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आते हैं वो बताते हैं, या अगर कोई चीफ गेस्ट बुलाए गए हैं तो वो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू पेश करते हैं, फिर वो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री से रूबरू करवाते हैं, और उसके बाद लास्ट में आपको लिख देना है ख़ुलासा कि हमने इस पूरे मज़मून में क्या जाना और क्या लिखा। तो इस तरह से ये वाली वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी हिस्सा 4 में मिलेंगे, जिसमें हम लोग खबरनवीसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ ऊपर वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जाए। अच्छी वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।